सब्सक्राइब करें बी न्यूज़ को और बेल आइकन दबाएं। हिज एक्सलेंसी इजराइल के प्रधानमंत्री श्रीमान बेंजामिन नेतन्याहू, श्रीमती सारा नेतन्याहू, गुजरात के मुख्यमंत्री श्रीमान विजय रूपाणी जी, उपमुख्यमंत्री श्री नितिन पटेल जी, आई क्रिएट से जुड़े हुए तमाम इंटेलेक्चुअल्स, इनोवेटर्स, रिसर्च स्कॉलर्स, अधिकारीगण और यहां उपस्थित भाइयों और बहनों और मेरे नौजवान दोस्तों, मुझे खुशी है कि आज इजराइल के प्रधानमंत्री की उपस्थिति में देश के नौजवान इनोवेटर्स को समर्पित इस संस्थान का लोकार्पण हो रहा है। मैं श्री नेतन्याहू का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने गुजरात आने का निमंत्रण स्वीकार किया और परिवार के साथ आए। इस कार्यक्रम से यहां आने से पहले हम साबरमती आश्रम गए थे, जहां पूज्य बापू को श्रद्धांजलि देने का अवसर मिला, पतंग जगाने का भी अवसर मिला। जब मैं पिछले साल इजराइल गया था, तभी ये मन बना लिया था इस संस्था का इजराइल के साथ और मजबूत संबंध होना चाहिए। और तब से ही मैं मेरे मित्र श्री नेतन्याहू के भारत आने का इंतजार कर रहा था। मुझे खुशी है कि वो ना सिर्फ गुजरात आए, बल्कि आज हम उनकी उपस्थिति में इस संस्था के कैंपस का लोकार्पण कर रहे हैं। मैं श्री नेतन्याहू और उनके साथ आए डेलीगेशन के अन्य सदस्यों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं और उनका आभार व्यक्त करता हूं। शलम एंड तोदा रब्बा। आज जब हम आई क्रिएट का लोकार्पण कर रहे हैं, तो मैं स्वर्गीय प्रोफेसर एनवी वसानी को याद करना चाहूंगा। मुझे बराबर याद है कि जब यह आई क्रिएट की कल्पना की गई, तो उसको मूर्त रूप देने की जिम्मेदारी प्रारंभ में प्रोफेसर वसानी के पास आई। लेकिन दुर्भाग्य से लंबे अरसे तक वो अनकॉन्शियस रहे, हमें छोड़ के चले गए। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन प्रारंभिक काल में उनका जो प्रयास था और बाद में कारवा जुड़ता गया कि आज हम सब आई क्रिएट को इस भव्य रूप में देख पा रहे हैं। किसान एक छोटा सा पौधा बोता है तो आने वाली कई पीढ़ियां उस विशाल वृक्ष के फल पाती रहती है। और किसान की आत्मा जहां कहीं भी होती है, यह देखकर निश्चित रूप से आनंदित होती है। आज आई क्रिएट के लोकार्पण पर हम सबको उसी खुशी का अनुभव हो रहा है
कि जो एक बीज बोया था आज वटवृक्ष रूप में उभर करके आया है। किसी इंस्टीट्यूशन का महत्व उसके जन्म के समय नहीं आंका जा सकता। हम सब जानते हैं कि आज भारत ही नहीं पूरे विश्व में फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में गुजरात का नाम है, गुजरातियों का नाम है, पर बहुत कम लोगों को इसका बैकग्राउंड मालूम होगा। आज से लगभग 50-60 साल पहले अहमदाबाद के कुछ विजनरी उद्योगपतियों के प्रयास से एक फार्मेसी कॉलेज प्रारंभ हुई थी, उसकी शुरुआत हुई थी और वह देश का पहला फार्मेसी कॉलेज था। और उस फार्मेसी कॉलेज ने अहमदाबाद और पूरे गुजरात में फार्मेसी के क्षेत्र में एक मजबूत इकोसिस्टम खड़ा कर दिया। हम सब यही अपेक्षा आई क्रिएट और यहां से निकलने वाले मेरे नौजवानों से, विद्यार्थियों से आज देश अपेक्षा रखता है कि वो इनोवेशन के क्षेत्र में भारत का नाम पूरे विश्व में रोशन करेंगे। मुझे याद है जब कुछ वर्ष पहले आई क्रिएट को लॉन्च किया था तो उस समय भी मैंने कहा था कि इजराइल को आई क्रिएट से जोड़ना चाहता हूं। मेरा मकसद यही था कि इजराइल के अनुभव का फायदा, उसके स्टार्टअप एनवायरनमेंट का लाभ इस संस्था को, देश के नौजवानों को मिले। इजराइल की टेक्नोलॉजी एवं क्रिएटिविटी पूरे विश्व को प्रभावित करती है, खास करके ऐसे क्षेत्र जो भारत की आवश्यकताओं से जुड़े हैं, उनमें इजराइल के साथ का फायदा भारत के इनोवेटर्स भी उठा सकते हैं। वाटर कंजर्वेशन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का लंबे समय तक रखरखाव, फूड प्रोसेसिंग, रेगिस्तान की ओर कम पाने वाली इलाकों में खेती, साइबर सिक्योरिटी, ऐसे कितने ही विषय हैं जिनमें भारत और इजराइल की साझेदारी हो सकती है। साथियों, इजराइल के लोगों ने पूरी दुनिया में साबित किया है कि देश का आकार नहीं, देशवासियों की संकल्प देश को आगे ले जाता है, ऊपर उठाता है। मुझे एक बार इजराइल के पूर्व राष्ट्रपति और महान स्टेट्समैन श्रीमान शिमोन पेरेस से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और उनकी एक बात मुझे आज भी याद है। श्रीमान शिमोन पेरेस कहते थे, वी विल प्रूव दैट इनोवेशन हैज नो लिमिट्स एंड नो बैरियर्स, इनोवेशन एनेबल्स डायलॉग बिटवीन नेशंस एंड बिटवीन पीपल। उनकी ये बात आज 100% सच साबित हुई है। भारत और इजराइल के लोगों को और करीब लाने में इनोवेशन की बहुत बड़ी भूमिका है। भाइयों और बहनों, श्रीमान शिमोन पेरेस की कही एक और बात को मैं आज दोहराना चाहता हूं। वो कहते थे, द ग्रेटर द ड्रीम द मोर स्पेक्टेक्युलर द रिजल्ट्स। जितने बड़े सपने होंगे उतने ही बड़े नतीजे होंगे। इजराइल की यही सोच
नोबेल प्राइज के साथ उसकी केमिस्ट्री को मजबूत करती है। इजराइल के वैज्ञानिकों को अलग अलग क्षेत्रों से मिले नोबेल पुरस्कार इस बात के गवाह है। भाइयों और बहनों, मशहूर वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन का उतना ही मशहूर कथन है, इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज। ये इमेजिनेशन, ये सपने, ये कल्पना ही हमें नई बुलंदियों पर ले जाती है। इन सपनों को और इन सपनों को ही कभी भी मरने नहीं देना है, इन सपनों को कभी थमने नहीं देना है। बच्चों की क्यूरियोसिटी के पोषण की जिम्मेदारी हम सबकी है। संकोच ये इनोवेशन का दुश्मन है। आप अपने आसपास छोटे बच्चों को ध्यान से देखें, यदि आप उनको कहें कि जल्दी सोना चाहिए तो तुरंत पूछते हैं क्यों सोना चाहिए। यदि आप उनको कहें कि मुझे यह संगीत पसंद है तो तुरंत पूछते हैं आपको यह संगीत पसंद क्यों है। एक बार गणित की एक क्लास में अध्यापक ने समझाया कि यदि तीन फल है और तीन छात्रों को दिए जाए तो प्रत्येक को एक फल मिलेगा, और यदि छह फल है और छह छात्रों को दिए जाए तो भी प्रत्येक को एक फल मिलेगा। फिर टीचर ने कहा कि मतलब जितने फल हो उतने ही छात्र हो तो प्रत्येक को एक फल मिलेगा। तभी एक छात्र खड़ा हुआ और उसने टीचर की आंख में आंख मिला करके उनसे पूछा कि यदि फल भी जीरो है और छात्र भी जीरो है तो भी क्या प्रत्येक छात्र को एक फल मिलेगा। यह सुनकर के पूरी क्लास हंसने लग गई, टीचर भी उस बच्चे को देखने लग गए। लेकिन आपको जानकर के खुशी होगी, वो बच्चा और कोई नहीं था, कहते हैं कि वह छात्र गणित के ज्ञाता, महान ज्ञाता श्रीनिवास रामानुजन था। और उसके इस प्रश्न ने गणित के एक महत्वपूर्ण सवाल को स्पर्श किया था कि क्या जीरो को जीरो से डिवाइड करें तो उत्तर एक हो सकता है क्या। हमारे युवाओं के पास एनर्जी भी है, एंथुजियाज्म भी है, उनको चाहिए तो थोड़ा सा एनकरेजमेंट, थोड़ी सी मेंटरशिप, थोड़ा सा नेटवर्क, थोड़ा सा इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। जब यह थोड़ा थोड़ा युवाओं के इनोवेशन से मिलता है तो बड़े बड़े परिणाम आना निश्चित होता है। आज हम देश में पूरे सिस्टम को इनोवेशन फ्रेंडली बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। हमारा मंत्र है क्यूरियोसिटी से जन्मे इंटेंट, इंटेंट की ताकत से बने आइडियाज, आइडियाज की ताकत से हो इनोवेशन, और इनोवेशन की ताकत से बने हमारा न्यू इंडिया। साथियों, हर व्यक्ति के मन में, हर नौजवान के मन में कुछ न कुछ नया करने की
इनोवेटिव करने की इच्छा होती है, उसके मन में विचार आते हैं और चले जाते हैं। जो विचार आते हैं वो आपकी संपत्ति है।